दोस्तों आज है संडे और देख लो यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रहा है और यहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा था। मेरे को आइजल पहुँचना था, वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, एक्चुअली चंपई में ही रहती है। वो अपनी कजन सिस्टर को लेके गया, उसे कैंसर हुआ है, उसको एडमिट है और यार उसका मदद करूँगा करके बोला था, लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ और निकलूँगा भी तो मेरे को दो दिन लगेगा आइजोल पहुँचने में। और इस वक्त मैं चर्च में आया था, ये चंपई का चर्च है और मैं यहाँ की भी चीज़ें देखना चाहता था क्योंकि मैं पूरे भारत को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ, तो यहाँ का जो भी चीज़ें वो देखना समझना, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। आके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझना सीखने के लिए भी। बस माता जी हर वक्त साथ में, सभी को बहुत ताकत देती है, हर वक्त साथ में ही रहती है। तो आप लोग देख लो यहाँ का माहौल।
बारिश तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी चर्च पे ही हम लोग है और ये देख रहे हैं पीछे गार्डनिंग किया हुआ है यार, इसलिए ये जगह को देखने के लिए आ गया। बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कहीं जा तो नहीं सकते बारिश के मौसम में यार, यहीं पे मजे करते हैं। अभी हम लोग आए हैं, ये देखो अभी चाय वगैरह पियेंगे अंदर जाके। और इतना हवा आ रहा है यार, बाल वगैरह बहुत ज्यादा खराब हो गया। चर्च पे जब प्रे हो जाता है तब सभी कोई मिलके यहाँ पे केक हो गया, चाय वगैरह हो गया, सब साथ में मिलके बैठ के पीते हैं और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने का सब अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ के चर्च में ऐसा ही होता है। अब जरूरी नहीं कि हर चर्च में ही ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे चर्च में ऐसा ही होता है। बारिश हो रहा है, संडे का दिन है, कहीं जा नहीं सकते, लेकिन बारिश में भीगने में भी बहुत ज्यादा मजे आ रहा है। यही ट्रैवलिंग का पार्ट है। ट्रैवलिंग के दौरान हर एक तरीके की चीजें आपको फेस करने के लिए मिलेगा, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, और हर जगह के अलग अलग कल्चर, अलग तरीके के लोग। आप लोग जब चर्च में आओगे, जो चर्च के बारे में नहीं जानता उन लोगों को बता दूं, जरूरी नहीं कि हर चर्च में एक तरीके की प्रे हो, एक तरीके की चीजें देखने के लिए मिलेगा। हर चीज में आपको अलग अलग तरीके की चीजें देखने के लिए मिल सकता है। तो यार बारिश में ज्यादा नहीं भीगेंगे, चलते हैं रूम की तरफ।
इस वक्त हम लोग दादी जी से मिलने के लिए आए। दादी का उम्र 90 साल की हो गई है और एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, फिर भी वो बची हुई है। 90 साल की कोई काम नहीं कर पाती है लेकिन घर पे रहती है बस। दादी जी से अभी अभी मिले, बहुत स्ट्रांग है वो, ज़्यादा देर तक वहाँ पे रुका नहीं, बात नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है और एक बार जान जाते जाते बचा है, इसी कारण से मैं फिर चले आया। और अब यहाँ से सीधे चलते हैं रूम के तरफ। बारिश और बहुत ज़्यादा ठंड है यार, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ का माहौल आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा तेज हवा हो रहा, बहुत ठंडा है यहाँ का माहौल, बहुत ठंडा है ठंडा है। हम लोग घर पे, रात हो गया और दोपहर के टाइम पे यार चर्च से आए और खाना वाना खाए। इतना ज्यादा ठंड लग रहा था ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा वगैरह आ रहा था, बारिश हो रहा था, तो मैं सो गया था। और यार 4-4.5 घंटे तक मैंने सोया। कुछ फ्रेंड लोग आए थे, बातें बातें किए, गॉसिप कर रहे थे, करते करते अभी रात का 11:30 होने जा रहा है और बस खाना वाना हो गया है और अभी सोने का टाइम है और ज्यादा कहीं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि, और हाँ कल यहाँ से तो मूव हो जाऊंगा लेकिन कल एक कॉलेज भी जाना है, वो जगह भी देखना है और लास्ट टाइम है मेरा चंपई में, तो और एक बार घूम के यहाँ से फिर निकलूंगा। तो हाँ, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है यार कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। और आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो हाँ, कल और एक जगह विजिट करते हैं। और हाँ यार, आप लोग यदि अभी तक आप लोग के कोई ट्रैवलर हो, घूमना पसंद है और आप लोग अभी तक मिजोरम नहीं आए हो तो यहाँ पे एक बार विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि ये जगह बहुत अलग है, बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे दिखेगा पहाड़ों में बसा इतना खूबसूरत देश कैसा दिखता है, यहाँ के जगह कैसे, यहाँ के हरियाली कैसा है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो विजिट जरूर कीजिए और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के संग, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सभी को गुड नाइट।